Hello, dear learners. This is day 27 of our English speaking course, and today we'll be learning about countable and uncountable sentences or words. So the basic thing is that जो जाति वाचक संज्ञा है वो गिनी जा सकती है, वही countable होते हैं. और द्रव्य वाचक और भाव वाचक, material noun and abstract noun को हम लोग नहीं गिनते, उसे हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं. तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, लेट्स डिफाइन दिस. मैंने बताया कि जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, वो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल में कंसीडर किए जा सकते हैं. जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेन्स, लीव्स, ठीक है. और जो मेटेरियल नाउन होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक और भाववाचक, इसे हम लोग नहीं गिन सकते. जैसे गोल्ड, वाटर, पेपर, आयरन, राइस, वुड. और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लव, अफेक्शन, पैशन, डिवोशन, हैप्पीनेस, ये सब को हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. काउंटेबल नाउन, जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. इन लड़कियों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं थी, नन ऑफ दिस गर्ल्स वाज प्रेजेंट देयर. आप काउंटेबल नाउन पढ़ सकते हैं. और उसके बाद अनकाउंटेबल, जैसे मिल्क, मिल्क को हम लोग मिल्क्स नहीं बोल सकते, वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकते हैं. तो हम लोग ये आप पढ़ सकते हैं इसको. इम्फेसिस, कल जरूर आना, भूल ना जाना. डू कम टुमोर, डोंट फॉरगेट. कमला और उसका भाई दोनों मुझे देखने आए. बोथ कमला एंड हर ब्रदर केम इन टू सी मी. मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, आई विल नेवर फॉरगिव हिम. तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो, यू डोंट स्टडी हाउ डू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द डे 27.